इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया है। चाहे तो आप इसको रात को भी भिगो सकते हो, वो 10-12 घंटे के लिए। हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और 1 चम्मच साल्ट और इसको हम विशल दिलाएंगे 2 से 3। मीडियम आंच पर हम और इसको फिर स्लो आंच पर 2-3 विशल्स और दिलाएंगे। और अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। बटर से हम तड़का तैयार करेंगे। मैंने डाला है बटर। बटर आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हो। और अब हम डालेंगे ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स। 1/2 चम्मच मैंने क्यूमिन सीड्स डाले हैं और थोड़ा सा हींग और थोड़ी कसूरी मेथी। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हींग और अब हम डालेंगे 2 ओनियन बारीक कटे हुए और उनको हम सॉटे कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। और इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे और ब्राउन कर लेंगे। धीमी से मीडियम आंच पर और अब हम डालेंगे इसमें से पेस्ट अदरक और लहसुन का। देखिए हमारे ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। ये हमारा पेस्ट है ग्रीन गार्लिक का और अदरक का, जिंजर का पेस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और अब हम इसको भी सॉटे करेंगे। और अब हम डालने वाले हैं टमाटो प्यूरी। ये मैंने 3-4 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। इसमें ग्रीन चिली भी मिक्स की हुई है, पेस्ट बनाया हुआ है इनका। तो इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं देखिए हमारा अच्छे से पक गया है थोड़ा टमाटो। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, रेड चिली और गरम मसाला। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और 1/2 चम्मच ही और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से पका लेंगे इसको। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाएगा
तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कच्चे टमाटर अच्छे नहीं लगते। देखिए हमारा टमाटो पेस्ट कितने अच्छे से पक चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम डालेंगे जो हमने राजमा और उड़द की दाल को मिश्रण दिलवाया था, उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी हमने पका ली थी। और अब इसको चलाते रहेंगे, 5-7 मिनट हम इसको पकाएंगे अच्छे से। जितनी अच्छे से ग्रेवी हमारी इसमें मिक्स हो जाए और हर ओर से टेस्ट आए। देखिए हमारी दाल मखनी कितनी बढ़िया से पक रही है। और अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती से, ताकि बहुत बढ़िया टेस्ट आए इसमें, और थोड़ा इसको पकाएंगे। इससे और अच्छा टेस्ट आएगा इसका। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, जितनी ये दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। बहुत ही बढ़िया बनती है दाल मखनी, तो आप भी इसी तरह से बनाइए। और देखिए हमारी दाल मखनी कितनी बढ़िया लग रही है।